रामराज जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? अभी तो दर्शन के बाद ही पता चलेगा कैसा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था दिख रही है अभी तक तो जहाँ तक आए हैं। कब आए हैं आप? 2 दिन हो गया। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला का दर्शन करेंगे? निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही, कोई चीज पैदा होती है उसके बाद ही हम उसका देख सकते हैं। तो अभी पैदा हो गए, भगवान हमारे मंदिर में आ गए, दर्शन करेंगे उनके। अभी मुंबई से आए? जी हाँ, परिवार है। एक्चुअली मैं यहाँ कहीं पास का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई में रहता हूँ अभी। यहाँ के मैं बाशिंदा भी नहीं हूँ, यहाँ का अभी तो डोमिसाइल हमारा मुंबई का है, तो वहाँ से मैं हूँ, महाराष्ट्र का हूँ बेसिकली। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पर्व है जिसमें लोग स्नान करते हैं। आसपास के लोग का भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं। अभी तक 1-1 किलोमीटर की 2 लाइनें हमारी लग चुकी हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं, सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है उसको रखवाना होता है PFC में, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पर उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं, देख सामान निकलता है उसकी। हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है, वहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लौट करके अपना सामान उसी क्लॉक रूम से लेते हैं और वापस के मार्ग पर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सर्किल का निर्माण पहले से जो किया गया था उसे व्यवस्थित किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सामान कम से कम संख्या में अपना लेके आए ताकि उनको यहाँ पर PFC में कम से कम समय लगे। आसपास जो आज जूते चप्पल के लिए भी पृथक से अलग व्यवस्थाएं और की गई हैं ताकि लोगों को उसमें भी सुचारू रूप से चीजें हो सकें। जो बाहर के लोग चल करके आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस तरह से बेहतर किया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमको यहाँ पर सुरक्षा भी लगातार सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ स्थानीय जो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं उनकी सुविधाएं भी देखनी होती हैं। उन दोनों के बीच में हम लोग संतुलन बनाते हुए एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आशान्वित हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्न और उल्लास और उसी तरह की उत्साह के साथ दर्शन करके जा रहे हैं जिस हिसाब से, जिस भावना और जिस प्रचंड आवेग से लोग आ रहे हैं। श्रद्धालु काफी सामान्य तरीके से आराम से दर्शन कर रहे हैं, कहीं भीड़ की स्थिति नहीं है। देखिए, बिल्कुल अनुशासित रूप में भारी संख्या में लोग हैं, उत्साह है, लेकिन संयम के साथ में लोग अपने साथ आए हुए हैं और यही यहाँ की संस्कृति है, जिसमें दक्षिण भारतीय लोग भी हमारे बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आ रहे हैं और एक एक बार नहीं, दो से तीन बार दर्शन कर रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि सब, चूंकि इतनी रम्य छटा है, इतना मनोरम, इतना हृदय स्पर्शी ये मंदिर है कि लोगों को एक बार दर्शन करने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं तृप्त हो रही है। लोग दोबारा लाइन में लग जा रहे हैं, 2-2 किलोमीटर के लाइन में, जो अगर छूटता भी है और उसको मालूम है कि 3-2 घंटे लग सकते हैं, परंतु लोगों के इतना उत्साह है, इतना उल्लास है कि लोग लगातार दर्शन को करते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस ने की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम सभी लोग बिल्कुल तत्पर हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सामान लेके आ रहे हैं तो उनको रखने के लिए व्यवस्था? बिल्कुल, उसमें भी PFC में हम लोगों ने आज व्यवस्थाएं पृथक रूप से की हुई हैं और कम समय लगे PFC में, यानी कि जहां पर लोग लेकर सामान लेके आते हैं और उसको सुचारू रूप से आज संपन्न कराने की जिम्मेदारी है हम लोगों की। आज मैंने बताया पौष पूर्णिमा के पर्व होने के नाते यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, उसको भी लगातार हम लोग करा रहे हैं।